Dear students, welcome back to our science class. Today we are going to study the class 10th, chapter 5th. The topic is Newland law of octave. So, इस topic में particularly we are going to study the Newland's law of octave. अभी तक हमने पढ़ा था इस chapter का introduction कि भाई हम classification करते क्यों हैं और हमने पढ़ा था कि आपका Daubnier's Triacs law. तो हमने बताया था कि Daubnier's एक पहला scientist ऐसा था जिसने एक theory forward की, जिसने अपना कुछ एक systematic way बताया, जिसने उसने कुछ एलिमेंट्स को अपने उसमें भरना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उससे हमें कुछ आइडिया मिला हमें कि हम एलिमेंट्स को भर सकते हैं आगे. उस चीज को आगे लेके गए आपके न्यूलैंड्स. एक साइंटिस्ट था विच वॉज ही वॉज म्यूजिक लवर. वो म्यूजिक को बहुत उसका म्यूजिक उसको म्यूजिक का बहुत शौक था. एज ए रिजल्ट उसने क्या किया था वहां पे, उसने एक जितने भी उस समय नोन एलिमेंट्स थे, उस समय सिर्फ 56 एलिमेंट नोन थे. कितने एलिमेंट्स नोन थे? सिर्फ 56 एलिमेंट नोन थे. तो उसने उन 56 एलिमेंट्स को भरना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ दैट आइडिया कि समवेयर दैट हैज अ रिदम, कुछ पेरियोडिक टर्म वहां पे आ सकता है. तो उसने क्या बोला कि पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट जो होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट रिजेम्बल विद द एट एलिमेंट. ये उसका स्टेटमेंट था कि अगर हम उनको हम पीरियड्स में भरना स्टार्ट करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो आठवें एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगा ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो उनके अलावा एक जैसी होंगी. ये था आपका न्यूलैंड्स लॉ. तो न्यूलैंड्स लॉ अगर हम कुछ की पॉइंट की बात करें, की पॉइंट, तो ध्यान रखना है कि उसने भी एलिमेंट्स को भरना स्टार्ट किया ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास. तो उसका बेस क्या था कि एलिमेंट को भरेंगे हम उनके एटॉमिक मास के हिसाब से. दूसरा पॉइंट उसमें क्या था, उसने कहा था कि एट्थ एलिमेंट रिजेंबल विद फर्स्ट एलिमेंट. जो आपका पहला एलिमेंट होगा और आठवां एलिमेंट होगा, उन सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, तो जैसे उसने पहले लिथियम को लिया, तो लिथियम के बाद जब उसने काउंट करना स्टार्ट किया, लिथियम के बाद जो अगला आठवां एलिमेंट आया वो सोडियम था और उन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी थी. ठीक है, तो पहले एलिमेंट के बाद जो आठवां एलिमेंट आया वो सोडियम था, जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम से रिजेंबल कर रही थी. उसी तरीके से उससे अगला जो आठवां एलिमेंट आया वो आपका पोटेशियम आया, जो रिजेंबल कर रहा था अगेन सोडियम के साथ में और पोटेशियम के साथ में और लिथियम, ये तीनों आपस में रिजेंबल कर रही थी. उसी तरीके से उसने एग्जाम्पल लिया बेरिलियम का. बेरिलियम ले लिया उसने वहां पे, और मैग्नीशियम ले लिया और कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टी भी रिजेंबल कर रही थी. तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि भाई जो आपका ये जो है न्यूलैंड है, इसका जो लॉ है वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि उसके ये पॉइंट बिल्कुल प्रिसाइजली करेक्ट थे. मतलब उसके ये पॉइंट जो थे बिल्कुल करेक्ट थे कि भाई लिथियम सोडियम से रिजेंबल करता है, सोडियम पोटेशियम से रिजेंबल करता है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो आपस में वो भी रिजेंबल करते हैं. तो अगर मैं आपको एक बार फिर से बताऊं कि न्यूलैंड जो था वो एक म्यूजिकल लवर था. जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गामा पा धा नी सा, तो सा से स्टार्ट हुआ सा पे आके एंड हो गया. यानी कि पहला एलिमेंट क्या है, सा है, और लास्ट आठवां एलिमेंट क्या है, वो भी सा है. तो पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट जो होते हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं. आई होप बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई होगी. तो न्यूलैंड बेसिकली क्या है, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने उनको भरना स्टार्ट किया कि जिसका एटॉमिक मास पहले होगा वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक मास बाद में होगा वो बाद में रखा जाएगा. और पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट जो होगा वो रिजेंबल करेंगे देयर प्रॉपर्टीज में. ये उसका पॉइंट था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था. तो ये हो गया उसका आपका न्यूलैंड का लॉ हो गया. अगर आपको न्यूलैंड का लॉ लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे न्यूलैंड के लॉ को? न्यूलैंड के लॉ को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ द एलिमेंट्स और एटम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास एंड द फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल विद द एट एलिमेंट और द एट एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट एलिमेंट. आपके ऊपर है आप कैसे लिख लो, बट योर स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट. आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होना चाहिए. अब हमारी मेन बात होती है कि भाई ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि हर साइंटिस्ट जो होता है, उसके सक्सेसिव साइंटिस्ट आते हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, भाई आप ये पॉइंट डिस्क्राइब करो, आप ये पॉइंट बताओ ये पॉइंट होगा या नहीं होगा. तो उसने कुछ पॉइंट्स बोले थे. उसने कहा था कि अभी तक नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट है. उसने क्या कहा था कि नेचर के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट हैं, 56 एलिमेंट हैं, और आने वाले टाइम में कोई भी एलिमेंट मिलने वाला नहीं है. ठीक है बच्चों,
बात समझ रहे हैं मैंने पहला पॉइंट क्या बोला तुम्हें अभी, ठीक है। अभी तक हमारे पास में कितने एलिमेंट हैं? हमारे पास सिर्फ 56 एलिमेंट हैं और 56 एलिमेंट से ज्यादा हमें कोई एलिमेंट मिलने वाला नहीं है, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे यहाँ पे लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ मिनरल्स लॉ। पहला पॉइंट क्या है? इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही हम उसको अप्लाई कर पाए। कहां तक अप्लाई कर पाए उसको? सिर्फ कैल्शियम तक, ठीक है बच्चों। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कि उसने बोला कि सिर्फ इट वॉज के हमने बोले कि सिर्फ क्या लिखा, उसने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट है। सो उसने बोला देर आर ओनली 56 एलिमेंट इन नेचर, उसने कहा 56 एलिमेंट है नेचर में एंड नो मोर एलिमेंट, नो मोर एटम एलिमेंट, नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड। उसने कहा सिर्फ कितने एलिमेंट है और फ्यूचर में आपको कोई भी एलिमेंट मिलने वाला नहीं है, बट लेटर ऑन क्या हुआ कुछ एलिमेंट। ओके, तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया कि उसने कहा था कि सिर्फ 56 एलिमेंट आपको मिलेंगे और उससे ज्यादा कोई एलिमेंट आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन क्या हुआ लेटर हमें बहुत सारे और एलिमेंट्स मिले, तो कहीं ना कहीं उसकी थ्योरी जो थी वो डगमगा गई, वो थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और उसके बाद अगले जो दो पॉइंट है वो क्या थे वहां पे, कि उसने क्या किया, दो एलिमेंट को एक स्लॉट पे पुट कर दिया, ही प्लेस्ड टू एलिमेंट ऑन सेम स्लॉट, उसने दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट पर रख दिया जो कि आइडियली सही नहीं था, जैसे कोबाल्ट को और निकिल को उसने एक ही स्लॉट पर रख दिया, लेकिन कोई भी एटम जो उसका एटॉमिक मास तो यूनिक होगा, तो इसका मतलब उसको यूनिक प्लेस ही मिलना चाहिए, उसको आप एक प्लेस पर उसको नहीं रख पाओगे। और एक प्लेस पर अगर इसका मतलब क्या, दो नौ एलिमेंट एक ही है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब दोनों सेम ही है नहीं, लेकिन हर एक एटॉमिक मास अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या था कि वो इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। और क्या किया उसने, आयरन वॉज प्लेस्ड फार फ्रॉम किससे, कोबाल्ट से, आयरन को उसने रख दिया कोबाल्ट से बहुत दूर, विच रिजेंबल विद कोबाल्ट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता था आयरन कोबाल्ट को, और उसको उसने बहुत दूर रख दिया, जिस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसने ऐसा क्यों किया। तो ध्यान से देखो, तो हमने पहले क्या बोला, उसने बोला कि भाई आपके पास वो सिर्फ 20 तक के एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से भर पाया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उसने बोला कि भाई आपके पास सिर्फ 56 एलिमेंट ही है, नेचर में ज्यादा मिलने वाले नहीं है। तीसरा पॉइंट उसने क्या किया, दो एलिमेंट को सेम प्लेस पर रख दिया जो कि आइडियली सही नहीं था। अगला पॉइंट क्या था उसने, कि आयरन को बहुत दूर रख दिया कोबाल्ट से जो कि उससे रिजेंबल करता है, और वो भी कहां रखा, हेलियम फैमिली में, कहां रखा वो, क्लोरीन फ्लोरीन वाली फैमिली में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बच्चों यहां पर डिस्कस कर लिया आपका क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत इजी लॉ है। अगर मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कराऊं, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि न्यूलैंड्स ने क्या किया, म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं म्यूजिकल नोट्स फिट थे, तो उसने म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से एलिमेंट्स को भरना स्टार्ट किया, ठीक है। और उसने बोला कि अभी उसके पास 56 एलिमेंट थे, तो उसने 56 एलिमेंट्स को ही भरा वहां पे, लेकिन उसके एप्लीकेबल कहां पे, सही से कहां पे थे, सिर्फ 56 एलिमेंट उसके ठीक थे, बाकी एलिमेंट्स को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने उनको ऐसा क्यों रखा हुआ है। और उसमें काफी मतलब डिफरेंसेस थे, कि जो एलिमेंट कोबाल्ट निकल उसने उनको एक जगह पर रख दिया, विच वॉज नॉट करेक्ट, और उसने कहा 56 एलिमेंट उससे ज्यादा कोई मिलने वाले नहीं है, वो भी गलत था उसका पॉइंट, ठीक है। और उसने क्या बोला कि भाई जो आयरन है जो आना चाहिए था कोबाल्ट के आसपास में, उसको रख दिया बहुत दूर उससे, मतलब कि अगर वो पहले ग्रुप में तो उसको रख दिया आठवें वाले ग्रुप में जाकर, तो विच वॉज क्वाइट फार फ्रॉम दैट, ठीक है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही कुछ, अगर आपको, और हाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे अभी मिस करने वाला था, कि जो न्यूलैंड का जो लॉ है, न्यूलैंड लॉ ऑल्सो
हैव डोमिनियर्स, ये आपके क्वेश्चन भी है डोमिनियर्स का लॉ। तो न्यूलैंड के लॉ में डोमिनियर्स का लॉ भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें ट्राइड फॉर्म कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम वाला और मैग्नीशियम, बेरिलियम और आपका कैल्शियम वाला। तो न्यूलैंड के जो आपके डोमिनियर्स के ट्राइड में न्यूलैंड के लॉ में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ये करते हैं या नहीं करते हैं, तो यू हैव द आंसर। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। एंजॉय योर डे। बाय बाय फॉर नाउ।